नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। सात जून 2021 को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का एक और संबोधन ब्रॉडकास्ट हुआ था। उन्होंने 75% वैक्सीन्स 18 प्लस आयु के लोगों को फ्री लगवाने का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा उन्होंने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को नवंबर तक मुफ्त राशन की व्यवस्था करने की भी बात की थी। दीज अनाउंसमेंट्स कुड हैव बीन मेड एज अ मैटर ऑफ रूटीन बाय द गवर्नमेंट एंड देयर वाज लिटिल नीड टू हाइप इट अप, लेकिन प्रधानमंत्री को तो खुद घोषणा करना था। कारण सिंपल था, COVID-19 के कैटेस्ट्रॉफिक सेकेंड वेव के दौरान मिसिंग इन एक्शन रहने के बाद उनका बैक टू स्पॉटलाइट होना जरूरी था। सिंस द एड्रेस वॉज एन एफर्ट टू रीगेनिंग पोलिटिकल इनिशिएटिव एंड रिपेयर हिज बैटर्ड पब्लिक इमेज, दोष दूसरों को देना जरूरी था। वैक्सीन्स की बात कर रहे थे, अब मोदी जी कैसे मान लेते कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उन्होंने ये यू टर्न लिया। उन्होंने तो अपनी बात में इंप्लाई किया स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एकदम मेसअप कर दिया और इसकी वजह से मोदी द सेवियर हैड टू कम इन अगेन। अपनी और डायरेक्टली वाहवाही करने के बाद मोदी जी ने डायरेक्टली कहा, आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। हिज प्राइमरी क्लेम वाज सिंपल दैट प्री 2014 इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज इनएफिशिएंट एंड मूव्ड एट स्नेल्स पेस। अब सब चंगा है जी, और फिर कहा उन्होंने कि वैक्सीन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए उन्होंने 2014 के बाद मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। मिशन मोड में इमरजेंसी पीरियड में काम नहीं देखा गया था, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई उस एड्रेस टू द नेशन में। द पीएम वाज स्पेसिफिक about his accusation against the pre-2014 governments. Chechak ki vaccine ho, hepatitis B ki vaccine ho, inke liye deshwasiyon ko dashakon ka intizar karna padta tha. Vastavikta kya hai? Was there no real tradition of vaccinations in India before Narendra Modi became the Prime Minister of India? सच्चाई तो दरअसल कुछ और है। प्री इंडिपेंडेंस रिकॉर्ड भी कुछ और बताते हैं। 1947 के पहले हिंदुस्तान में दूसरे देशों में वैक्सीन की आविष्कार के कुछ ही वर्षों में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती थी। विश्व में स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीन 1798 में आविष्कार किया गया था। माना जाता है चेचक का ओरिजिन प्राचीन काल में भारत या मिस्र से हुआ था, करीब 3000 वर्ष पहले हिंदुस्तान में। लेकिन स्मॉल पॉक्स पैंडेमिक्स कोई एपिक डायमेंशन में नहीं देखे गए थे। वन ऑफ द मेटिकुलसली रिकॉर्डेड स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वाज रिपोर्टेड फ्रॉम गोवा इन 1545 AD व्हेन एन एस्टिमेटेड 8,000 चिल्ड्रन डाइड। लगभग 1000 AD से भारत में स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन की एविडेंस मिलती है। इनोकुलेशन विद स्मॉल पॉक्स वायरस मटेरियल वाज कॉल्ड वेरियोलेशन। इट प्रीसीडेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन एंड वाज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। भारत में इनोकुलेशन का एक एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से होता है डॉक्टर जे जेड हॉलवेल ने
1767 में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में दिया था। इनोकुलेशंस की प्रैक्टिस को 1804 में बंगाल प्रेसिडेंसी में आउटलॉ कर दिया गया था, परंतु ये कानून मात्र कागजी रहा। 1798 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बनने के बाद चेचक के लिम्फ के पहले डोजेस मई 1802 में इंडिया पहुंच गए। 14 जून 1802 को एना डस्टहॉल नाम की एक 3 वर्ष की बच्ची को बॉम्बे में पहला टीका लगाया गया स्मॉल पॉक्स का। यूं समझिए कि भारत में वैक्सीनेशन की 2000 वर्ष पुराना ट्रेडिशन है। बॉम्बे से वैक्सीन मद्रास, पूना, हैदराबाद और सूरत पहुंचा, बट वैक्सीन हेजिटेंसी वॉज वाइडली प्रेवलेंट एट दैट टाइम। बाय 1850 वैक्सीनेशन हैड बिकम मोर प्रेवलेंट, बट ऑपोजिशन रिमेन्ड फ्रॉम सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस ऑफ हिंदुइज्म। उनका विरोध करने का मुख्य कारण था, वो एक ऑब्सक्रांटिस्ट आर्ग्यूमेंट था कि टीका जो है गायों से प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम द काउज। शुरू में ब्रिटिश सरकार टीका का कॉस्ट नहीं बेयर करती थी, परंतु बाद में पेड वैक्सीनेशन की सिस्टम चालू हो गई फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। द कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1892 टू एंश्योर हायर कवरेज विथ स्मॉल पॉक्स एंड रिड्यूस द एपिडेमिक। लेकिन ये कागजी कानून रहा। 20वीं शताब्दी के आते आते भारत में कॉलेरा, प्लेग और फिर स्पैनिश फ्लू के वैक्सीन्स धीरे धीरे डेवलप हुए। स्पैनिश फ्लू वैक्सीनेशंस 1 नवंबर 1918 को शुरू किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 2.5 लाख रुपए एनुअली उसमें खर्च करने का फैसला किया था। वैक्सीन एक्सेप्टेंस ना के बराबर था। लोग शीतला माता के मंदिर जाना ज्यादा इफेक्टिव मानते थे। पर्दे के ट्रेडिशन के कारण महिलाओं की एडमिशन भी हॉस्पिटल्स में बहुत कम होती थी। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको पॉपुलरली मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, उसके अंतर्गत हेल्थ सर्विसेज को प्रोविंसेस को सौंप दिया गया। हेल्थ डिलीवरी बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट नाउ ओज इट्स ओरिजिन्स टू दिस लॉ। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वैक्सीनेशंस डिक्लाइन, बट द प्रोसेस वॉज रीस्टार्टेड After it ended, and smallpox cases also declined. Typhoid vaccinations was developed in the first half of the 20th century. Azadi ke turant baad BCG mass campaigns India mein launch kiye gaye. 1960 ke dashak mein National Smallpox Eradication Program launch hua. Saath hi National ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। एक नेशनल पर्सपेक्टिव से अलग अलग डिजीजेस के टारगेट करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा रहा था। आजादी के पहले इतनी वेरिड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के स्टार्ट होने के बावजूद आजादी के समय हिंदुस्तानियों के हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे नहीं थे। दुनिया के सबसे ज्यादा स्मॉल पॉक्स केसेस इंडिया से रिपोर्ट होते थे। कॉलेरा और प्लेग के एपिडेमिक्स भी वाइडली प्रेवलेंट थे। बजट लिमिटेशंस की वजह से ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट को प्रायोरिटाइज किया सरकार ने। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी जा सकी उस समय। चैलेंजेस बहुत थी, स्थिति के अनुकूल फैसले लिए गए थे उस समय। फिर भी 1960s तक काफी प्रोग्रेस हुआ था। इन 1967-68 The smallpox eradication strategy was reformulated. It was widely decided to emphasize on surveillance, epidemiological investigation of outbreaks and containment. 1969 or 71 के बीच में smallpox vaccine की efficacy को और improve किया गया था, जिसकी वजह से
1973 तक वैक्सीन्स में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी थी और इसका इम्पैक्ट फिगर्स के मामले में सामने आने लगा था। यूपी, बिहार, बंगाल और कुछ स्टेट्स को छोड़कर 1973 तक स्मॉल पॉक्स डिक्लाइन में था। सर्च, कंटेनमेंट और वैक्सीनेशंस की पॉलिसी कामयाब रही अल्टीमेटली और 1975 में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस भारत से रिपोर्ट हुआ था। इवन देन द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेलेंस कंटिन्यूड अनअबेटेड। पोलियो वैक्सीन्स की कहानी लेकिन उलझी हुई है। सिग्निफिकेंटली लेकिन पोलियो रिसर्च में भारत पायनियर थी। ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स दोनों में ही इंडिया की लीड पोजीशन थी। ओपीवी वॉज डेवलप्ड बाय 1960। इट टर्न्ड आउट टू बी अ बेटर वैक्सीन बिकॉज इंजेक्शंस वर्न्ट नीडेड एंड दे प्रोवाइडेड लॉन्गर इम्यूनिटी। बट इरेडिकेटिंग पोलियो टुक मच लॉन्गर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, ऑल्दो सक्सेस फाइनली केम इन 2011। इंडिया को WHO ने लिस्ट ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्रीज के लिस्ट से 2012 में हटा दिया। इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, ये दोनों कंपनियों को 1989 में पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर कंपनीज के फॉर्म में लॉन्च किया गया। 1997 में सबसे पहला हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप किया गया। H1N1 वायरस का वैक्सीन भी 2009 में डेवलप हो गया। वैक्सीन मैन्युफैक्चर में भी सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया ने जल्दी अचीव कर ली। 1975 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन के बाद इंडिया ने 1978 में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। सिग्निफिकेंटली आपको याद होगा ये वही पीरियड था जब हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उनके अंदर भी बहुत चर्निंग हो रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार जिसकी भी रही हो, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बरकरार रहा। इस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत BCG, OPV, DPT और टाइफॉइड पैराटाइफॉइड के वैक्सीन्स दिए गए थे। टारगेट 80% कवरेज इन इन्फेंसी का था, लेकिन वैक्सीनेशन शहरी हॉस्पिटल्स में ज्यादा दिए गए, जिसकी वजह से वैक्सीन प्रोग्राम मेनली अर्बन एरियाज तक ही लिमिटेड रह गया। EPI को 1985 में रीनेम किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मीजल्स वैक्सीनेशन ऐड किए गए और वैक्सीन प्रोग्राम को प्रधानमंत्री के 20-पॉइंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया ताकि उस पे फोकस किया जा सके, प्रायोरिटाइज हो सके। 1990 में UIP को देश भर तक एक्सपैंड कर दिया गया और 1991 में स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोल्ड चेन्स को टेक ओवर कर लिया। इन 2005 UIP वॉज मेड पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ प्रोग्राम, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उस साल से ग्लास सिरिंजेस का यूज होना बंद हो गया और डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस यूज होने लगे। इस एपिसोड की तैयारी करते समय मैंने मेजर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के ग्राफ्स को स्टडी किया। लगातार गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यह सही बात है कि और बेहतर हो सकता था। दरअसल भारत में हर पैरामीटर में डिस्पैरिटी इतनी है कि जिसकी वजह से इंपैक्ट उतना नहीं आता है जितना हम चाहते हैं। PM ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने संबोधन में दावा किया मिशन इंद्रधनुष ने वैक्सीनेशन के दायरे में आने वाले बच्चों का प्रतिशत 60% से बढ़ाकर 90% किया।
द हिंदू अखबार के एक रिपोर्टर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लेटेस्ट फिगर्स चेक किए। डेटा फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज शोड दैट नन ऑफ द स्टेट्स अचीव्ड 90% वैक्सीनेशन कवरेज। ये डेटा दिसंबर 2020 तक था, बाकी स्टेट के फिगर्स मई 2021 तक आना था, बट द डेडलाइन हैज पास्ड, पॉसिबली फॉर रीजंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। मात्र 5 स्टेट्स में 80% वैक्सीनेशन टच किया है, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गोवा एंड सिक्किम। हम नहीं कह रहे हैं कि pre-24 इंडिया एक आइडियल राष्ट्र था, सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि 2014 के बाद से कुछ नहीं हुआ है। द इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड एवरी गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। रिले रेस की तरह फिनिशिंग लाइन पर हर टीम का एक ही खिलाड़ी पहुंचता है, परंतु कॉन्ट्रीब्यूट सब करते हैं उसको वहां तक पहुंचाने में। टीम की जीत होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। बहुत दुख है, वैक्सीन जैसे लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी एक तरह से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार। Thank you.